देख रहे हैं केवल सच। लोजपा रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने पंडित राजकुमार शुक्ल को भारत रत्न देने की उठाई मांग। लोजपा रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने 149वें जन्म दिवस के अवसर पर पंडित राजकुमार शुक्ल को भारत रत्न देने की मांग उठाई। डॉक्टर राजेश भट्ट ने कहा कि पिछली सरकारों ने राजकुमार शुक्ल को वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। विश्व के सबसे वृहद किसान आंदोलन जिसमें सीधे तौर पर 19 लाख किसान शामिल थे, जिसे नील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, गोरों के अधिक अत्याचार और तिनकटिया पद्धति के खिलाफ संघर्ष में एक बड़े रैयत होने के बावजूद पंडित शुक्ल ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्होंने आगे कहा, सर्वविदित है कि पंडित शुक्ल के कथक अन्याय विनय से बापू का बिहार के चंपारण की धरती पर पहली बार पदार्पण हुआ, जहां भारतीय जमीन पर पहली बार गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। देखिए, आज का कार्यक्रम पंडित राजकुमार शुक्ल जी की 149वीं जयंती का ऐतिहासिक आयोजन था। इस अवसर पर लगातार इस तरह के आयोजन हम लोग 10 वर्षों से करते आ रहे हैं। पंडित राजकुमार शुक्ल संस्थान पंडित राजकुमार शुक्ल के स्मृति अशेष अक्षुण्य रखने हेतु लगातार प्रयासरत है। बिहार और बिहार के बाहर भी कई इन पर सेमिनार जो है आयोजित किए गए हैं और लगातार हम लोग भारत रत्न की मांग उठाते रहे। 2018 में बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनके नाम की अनुशंसा भी की है। 2018 से अब तक केंद्र सरकार के पास लंबित है। चूंकि 150वीं जयंती अगले वर्ष उनकी होने वाली है, मैं चाहता हूं कि 150वीं जयंती से पूर्व केंद्र सरकार भारत रत्न की घोषणा करें और इस ऐतिहासिक पुरुष को जो है वो सम्मान मिले, जिस सम्मान से वर्षों सरकारों और इतिहासकारों की गलती के कारण ये वंचित रहे। मंच से आपने घोषणा की और आग्रह भी किया मंत्री जी से इस विषय जी, लगातार हमारी संस्थान आग्रह करते रहती है। इस संस्थान ने कई ऐसे प्रस्ताव भेजे हैं पारित करके माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, इसलिए लगातार मैं आग्रह करता रहता हूं। और अब मैं ये चाहता हूं कि बिहार सरकार से जो अनुशंसित भारत रत्न का नामित किया हुआ पत्र यहां से गया है, उस पर अविलंब विचार करते हुए 150वीं जयंती से पूर्व भारत रत्न की घोषणा की जाए। हम तमाम बिहारवासी ही नहीं, पूरा देश इसका सम्मान करेगा। मंत्री जी कुछ बोल नहीं पाए, आपने तो आग्रह किया लेकिन मंत्री जी ने कुछ बोले नहीं इसके संबंध में। नहीं, मंत्री जी ने कहा कि पर्यटन विभाग चूँकि हमारे पास है, पर्यटन विभाग से जो संभावनाएं हैं उसमें बढ़ चढ़ कर मैं जरूर अवश्य मदद करूंगा और पंडित राजकुमार शुक्ल की स्मृति को आगे बढ़ाऊंगा।